इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? आवाज गूंज रही है भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी को। हेलो, मैं बहुआ बोल रहे थे। नमस्ते जी। जी नहीं, रेड मतलब दोनों, मतलब काम सॉरी क्या सॉरी है? सॉरी, मैं कह रहा था आपसे कि आप जूते पहनते हैं? तो भाई वो तो हर कोई पहनते हैं, कैसे सवाल जूते ने पूछ रहे हो आपको आप? काटा है कभी? नहीं, नहीं लेता हूँ, तभी काटते हैं ज्यादातर हैं? तो। और क्या? नहीं लेते। हाँ लेकिन आपको कभी पता है जूते काटते क्यों हैं? इतिहास में पहली बार जूते ने कब काटा था? नहीं, ऐसा मैं कुछ, ऐसी बताता जूतों की हिस्ट्री मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं बताता हूँ आपको पहली बार कब काटा था। मैं थोड़ा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। नहीं, एक से एक से। अच्छा सुनो, एक खत्म कर दूंगा फटाफट। चलो जूता, बताओ हाँ, फिर। जूता जो होता है बेसिकली वो सालियाँ चुराती हैं। कनेक्शन देखना आप। जूते चुराती हैं साली, हाँ साली का भाई होता है साला, हाँ साला गाली भी होती है, हाँ गाली देने पे मारपीट हो सकती है, हाँ मारपीट करोगे पुलिस आएगी, आ गई। पुलिस मतलब कानून। हाँ कानून के हाथ लोग में होते हैं। लंबे तो अमिताभ बच्चन भी होते हैं। अमिताभ बच्चन एक फिल्म में थे, दीवार। दीवार में उन वो स्मगलिंग करते एक मिनट, इतना करने का टाइम कहाँ से लाते हैं आप? थे। दीवार में वो स्मगलिंग करते थे। ठीक स्मगलिंग है, सोने की भी होती थी, हो गई। सोने के दांत भी होते हैं, दांत नकली भी होते हैं। नकली मेरे दादाजी के भी दांत थे। दादाजी मंदिर जाते थे, मंदिर जाने से पहले जूते बाहर रखते थे, चमड़े का बेल्ट और घड़ी वड़ी बाहर रखते थे, और नकली दांत भी बाहर रखते थे। अच्छा। लेकिन दांत जमीन पर रखेंगे तो दांत मैले हो जाएंगे, इसलिए हाँ दांत को जूते में छुपा देते थे। एक बड़ा ही दिन जूते ने कलाकार आदमी। एक दिन उसी जूते को एक चोर ने चुराया, आगे जाके पहना, अंदर जो दांत थे उसने जूते के अंदर से उसको काट लिए। पहली बार इतिहास में जूता तभी ने काटा था क्योंकि उसके अंदर दांत। हो गया। हाँ आप बताओ, हो गया तो धो लो, खत्म हो गया। फोन काट दे, एक काम कर, दादाजी के जूते ना उसी से बड़े पहने, नहीं, ठीक गलत नहीं, गलत है? नहीं, बात खत्म। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो। चीची बोल रहे।